आए थे संजय सिंह जी, इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे सका था। आरिफ भाई की स्वस्थ तो उनसे ही आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आरिफ इराकी साहब ने हमेशा बहुत सारे खिदमत खल का अंजाम दिया है। अभी जो मैं चाहूंगा वो खुद हो कहें आपसे तो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदाज में वो कह पाएंगे आपके बीच में। मैं उनका गलवा मुंद्रा की दानिश से उनका इस्तकबाल करता हूं, और मेरी बात डॉक्टर जितेंद्र दरबार साहब से भी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आरिफ भाई को पूरे मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ पार्टी में लिया गया है, और ऐसे पार्टी अध्यक्ष में ये बात कहना चाहता हूँ कि आरिफ भाई का बहुत ही रिस्पेक्ट हम करते थे और हम करते हैं और हम करते रहेंगे हमारी पूरी पार्टी। मैं नूर खदीब साहब, हमारे कोसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल साहब, हमारे पार्टी के थाना जिला के वाइस प्रेसिडेंट जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे बड़े भाई मौलाना आजाद हुसैन सिद्दीकी साहब, नफीस अंसारी साहब, और यहाँ पे उपस्थित तमाम जो हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको हम दावत देते हैं हमारी दावत पे आप तशरीफ लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आरिफ इराकी साहब को माइक दूँ मैं कुछ अपने मुद्दों को लेके, मैं यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक लड़ रहा हूँ, मगर मैं कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ और सिस्टम से लड़ रहा हूँ, तो सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। हमारी जो बेसिक सुविधाएं है ये हमको सिस्टम प्रोवाइड करती है, और सिस्टम जो हमको बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है तो उसके अंदर जाके उसको यहाँ लेके आने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार चाहिए। मैंने अपने लेवल पे 15 साल किया कि आप सबको मालूम है, मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उस सिलसिले में, मगर कहीं ना कहीं ये स्टैंड जैसे हमारे माननीय जितेंद्र अवर साहब, शमीम भाई, शानू भाई और भी एनसीपी शरद पवार के जो लेता है, इनका स्टैंड मुझे कहीं ना कहीं सही लगा कि हो सके इनके साथ ज्वाइन करके मैं मुमरा का कहीं ना कहीं भला कर पाऊँ। भला तो बहुत हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, रोड बने, गटर बने, नाले बने, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, सब बना है। जो लोग अंधभक्त का चश्मा लगा के घूम रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा है, मगर जो मुमरा के लोग हैं जिन्होंने 1993 देखा, जिन्होंने 1995 देखा, जिन्होंने 2005 देखा, उनको मालूम है कि मुमरा के अंदर कितनी तरक्की हुई है। हम उस वक्त मुमरा में रहे 1988 से, हमने देखे हैं खड्डे वाले रोड से हम गुजरते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है आज वो रोड के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। हॉस्पिटल आ गया 2009 के बाद, हॉस्पिटल का प्रस्ताव आया माननीय जितेंद्र अवर साहब के आने के बाद, गार्डन्स, रोड्स, स्टेडियम, और सबसे बड़ा मसला जो है वो है कब्रस्तान, जो हमारी इधर के सबसे बेहतरीन चीज जो माननीय जितेंद्र अवर साहब ने हमको दिए हैं वो है कब्रस्तान। भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मगर 50 गुंडे की एक जगह जो खाड़ी के किनारे थी उसको खाड़ी से दूर लेके आके सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 गांव मुमरा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, गांव मुमरा। आरिफ भाई, कब्रस्तान के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में आने से पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, कब्रस्तान की मिल्कियत को लेकर, यानी कि ये अभी भी इल्लीगल है, एक आंदोलन हुआ चुनाव से जस्ट पहले, और बीच में शरद पवार जितेंद्र अवर साहब ने इस्तीफा भी दिखाया, तो आप पेपर वर्क के माहिर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, अब कब्रस्तान की लीगैलिटी, मनपा की उसकी मिल्कियत की पूरी क्या हकीकी सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड क्या बताएंगे इस पर आप? देखो, सच्चाई तो पूरा मुमरा जानता है कि ये जो कब्रस्तान, इसको लाने में माननीय जितेंद्र अवर साहब का बहुत बड़ा रोल है। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से स्टडी करें तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये कब्रस्तान इधर लाने के अंदर माननीय जितेंद्र अवर साहब ने बहुत मेहनत की।
अपना कब्रिस्तान सर्वे नंबर 107 में था जो 50 घंटा था और जो खाड़ी के एकदम लग के किनारे शिया कब्रिस्तान के बाजू में है। जो ओरिजिनल हमारा रिजर्वेशन था 2011-12 के अंदर, उसको सर्वे नंबर जो है 64, 65, 67, 68 के अंदर जो ट्रांसफर किया गया, वो माननीय जितेंद्र रावत साहब के मांगनी पे ट्रांसफर हुआ है। उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लक्ष्यवेदी हुए, मीटिंग्स हुए, महासभा के ठहराव हुए, सब हुए। मगर लैंडलॉर्ड का जो इशू चल रहा था, जैसे मित्तल का इशू चालू था, तो मित्तल का जो इशू था वो ये था कि भाई 50 घंटे की जगह आप हमारा 5 एकड़ क्यों ले रहे हो? आपका 50 घंटे की कब्रिस्तान की आप 50 घंटे की बात करो। उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हुए और मित्तल वो देने को तैयार नहीं था। बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट है मित्तल का जो उसने थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर फाइल किया हुआ है। वो रिटन स्टेटमेंट की वजह से वो वाला कब्रिस्तान रुका। बाद में जब जायसवाल साहब इधर आए और मित्तल के कुछ प्रपोजल्स अप्रूवल की बात आई, एक वीपी नंबर हुआ S09005915, इसके अंदर रिलोकेशन की पार्ट हुई। उसके अंदर वो कब्रिस्तान वहां से उठ के 55, 56, 57, 58 की जगह पे दिया गया। और वो देने के बाद 7-12 जो है, देखो कोई भी होता है, कोई भी जगह होता है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पहले क्लियर करनी पड़ती है। 2016 के अंदर वो कब्रिस्तान की जगह थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहले पोजीशन रिसीट के तहत अपने अंडर ली। वो पहली पोजीशन रिसीट जो होती है वो टेम्पररी रिसीट होती है, जो लिया जाता है इसके लिए कि उसके बाद TLR करना है, सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, और उसके बाद जो एक्चुअल जगह आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होके, वो रजिस्ट्रेशन होके उसका फाइनल TDR मिलेगा। 2023 तक वो पूरा प्रोसीजर चला, मगर हमारे शहर की जरूरत थी, वो जरूरत की वजह से 2019 में जब पहला पोजीशन हमको मिला तो हमने कब्रिस्तान हमारे माननीय जितेंद्र रावत साहब ने चालू कर दिया। 2023 के अंदर फाइनल TDR का रिसीट मिला। आपके पास अगर वो दोनों है, आपके पास अगर वो दोनों पोजीशन रिसीट है, तो आप बाकायदा जाइए वो सर्वे नंबर्स पे, सर्वे नंबर 55 का अलग एरिया आएगा, 56 का अलग एरिया आएगा, 57 का अलग एरिया आएगा, 58 का अलग एरिया आएगा, और आपका जो फाइनल पोजीशन हुआ उसके अंदर सर्वे नंबर, दोनों के सर्वे नंबर्स में एक्चुअल जगह पे जो जगह लिया गया उसके अंदर फर्क है। इसके लिए एक टेम्परेरी पोजीशन रिसीट होता है और एक फाइनल पोजीशन रिसीट होता है, जो सर्वे करने के बाद TMC जो है TDR के रूप में जगह वाले को देती है। 2023 के अंदर जगह वाले को TDR दिया गया और उसके बाद फाइनल उसका लेआउट उस पर डाला गया। तो इसके अंदर यह है कि भाई 7-12 घूम चुका है, आज का जो नया DP है उसके अंदर वो जगह पे कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ चुका है, तो लीगलिटी हो चुकी है। अगर कोई भी चीज होती है उसकी लीगलिटी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ADTP से ही होती है, और ADTP ने बाकायदा वो साइन करके उसको अप्रूवल कर चुका है। तो रफीक भाई, ये बात तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि भाई वो कब्रिस्तान लीगल है। हाँ, अगर हमारे भाई लोग को नहीं समझ में आ रहा है या उनका ऐसा कोई मसला है, तो आप TMC में जाके पूरे पेपर निकाल सकते हैं, उनके पास अवेलेबल है। 7-12 घूमने के बाद वो जगह जिस नाम पे है उसकी मालकी हो जाती है, ये जो जो अगर जगह का बिजनेस करता है उसको मालूम है। अच्छा आरिफ भाई, कब्रिस्तान से रिलेटेड एक और सवाल है। अभी भी कब्रिस्तान को लेकर के चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है कि पानी निकलता है, तैरते हुए लाशें जो है कब्रों में दिखी है, वीडियोस भी मौजूद है। तो बीच में एक आर्किटेक्ट है अमीन सयाली मुंबई के, उनका और आप लोगों का कुछ रब्ता हुआ था, और उसके बाद उनके डायरेक्शन पे आपने वहां पर कट